फेवरेट है इंडिया, इंडिया शुड विन दिस मैच। ऑस्ट्रेलिया का हमने भी हालात पतले कर दिए थे, और इस टूर्नामेंट की मतलब हिस्ट्री की ये दो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैं। पांच दफा की चैंपियन टीम है इंडिया और तीन दफा वर्ल्ड कप अंडर 19 जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने भी। इनॉग्रल भी वो वैसे हमें हरा के जीते थे 1988 में, फिर 2010 में भी हमसे जीत गए थे वो। ऑस्ट्रेलिया और बस हमारा बहुत कोई वन साइडेड है, वन साइडेड चल रहा है, लेकिन इंडिया दे आर लुकिंग फेवरेट एंड दे शुड विन। और आप समझते थे कि यार ये बेहतरीन टीम है, हमें तो लगता था कि बहुत बेहतरीन है, साथ में किस्मत। वो यही कह रहे हैं कि यार वो मच्छों ने लिखा वासे भाई कसम से किस्मत ने गड़वा दी आपको। कोई नहीं यार, 15 रन आखिरी विकेट पे जब रह गए हो तो यार वही टीम जीतेगी आखिरी विकेट पे जो बॉलिंग कर रही। किस्मत से ना जीतो, खेल से जीतो यार। किस्मत बाज लोग तो जीतते भी नहीं है, लेकिन वो हर रोज सोशल मीडिया पे स्टार चल रहे। बस किस्मत से आप बांग्लादेश से जीते थे, बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेश से आप किस्मत से जीता है पाकिस्तान, वो मैच आपके लग गया था वहां पर, वो भी लग गया था। मगर ये कि ठीक है, आपको किस्मत ने एक दफा मौका दिया सेमीफाइनल तक पहुंचाने का, यहाँ आप खेल से जीते, आप खेल से आ रहे। उन्होंने मेरा घंटा लिया हुआ है उधर बैठ के, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर मिडिल ऑर्डर छनकना कर रहा है उधर बैठ के। नहीं उसको उसने उसने इसने टिप्स नहीं दी कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या किया और मुकाबला अपना इंडिया से करते हो। बेटा उनकी बैटिंग ने 250 चेज किया सेमीफाइनल में, उनके उनके पास उदय, उनके पास सचिन दास जैसे बैट्समैन है जो 32 पे 4 के बाद टीम को जितवा देते हैं। आपके पास तो कख है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा, जहां पर पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि भारत छठी बार इस वर्ल्ड कप को जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह के भारत की यंग टीम ने मैच्योरिटी से सेमीफाइनल जीता, सबको लग रहा है कि भारतीय टीम स्ट्रांग है और जितने भी यंगस्टर जिसमें उदय सारन जैसे प्लेयर्स हैं, उनका टेम्परमेंट बाकी टीमों से अच्छा है और इसलिए इस वर्ल्ड कप को जीतने का असली हकदार भारत ही है। पर सबको ये भी उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल अंडर 19 के वर्ल्ड कप में होगा इस बार, पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ओवर में जाकर पाकिस्तान को हराया, अब पूरी दुनिया की नज़र भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल के ऊपर है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भी अब खुलकर भारत का सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि भारतीय यंग टीम एक स्ट्रांग टीम है और इनको ही ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया गिर पड़कर लास्ट ओवर में एक मिराकल के बाद ही वो फाइनल में पहुंचा और वो डिजर्व नहीं करता था, पर फिर भी वो फाइनल में है। पर जिस तरीके से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया 35-4 होने के बावजूद भी, इसे पता चलता है कि भारतीय टीम ने अलग लेवल पर जाकर क्रिकेट खेल रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। इंडिया अंडर 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और फेवरेट है इंडिया, इंडिया शुड विन दिस मैच। ऑस्ट्रेलिया का हमने भी हालात पतले कर दिए थे, और इस टूर्नामेंट की मतलब हिस्ट्री की ये दो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैं। पांच दफा की चैंपियन टीम है इंडिया और तीन दफा वर्ल्ड कप अंडर 19 जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने भी। इनॉग्रल भी वो वैसे हमें हरा के जीते थे 1988 में, फिर 2010 में भी हमसे जीत गए थे वो। ऑस्ट्रेलिया और बस हमारा बहुत कोई वन साइडेड है, वन साइडेड चल रहा है, लेकिन इंडिया दे आर लुकिंग फेवरेट एंड दे शुड विन। क्रिकेट लवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से थे, वो कह रहे हैं यार कमाल की टीम थी, बड़ा अल्लक और बड़ी हार्ड लक रही। हम तो प्रिपेयर हो रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का होना चाहिए फाइनल, जिस तरह की आपकी बॉलिंग लाइनअप थी। तो कहने की बात है, क्रिकेट अच्छी देखकर कोई भी
कोई भी बगैरती नहीं कर सकता अच्छे दिल वाला। और आप समझते थे कि यार ये बेहतरीन टीम है, हमें तो लगता था कि बहुत बेहतरीन है, साहब ने किस्मत, वो यही कह रहे हैं कि यार वो मच्छों ने लिखा वासे भाई कसम से किस्मत ने गड़वा दिया आपको। कोई नहीं यार, 15 रन आखिरी विकेट पे जब रह गए हो तो यार वही टीम जीतेगी आखिरी विकेट पे जो बॉलिंग कर रही है। किस्मत से ना जीतो, खेल से जीतो यार किस्मत। बाज लोग तो जीतते भी नहीं है लेकिन वो हर रोज सोशल मीडिया पे स्टार चल रहे। बस किस्मत से आप बांग्लादेश से जीते थे, बिल्कुल ठीक बात है, बांग्लादेश से आप किस्मत से जीता है पाकिस्तान, वो मैच आपके लग गया था वहां पर, वो भी लग गया था, मगर ये कि ठीक है आपको किस्मत ने एक दफा मौका दिया सेमीफाइनल तक पहुंचाने का, यहाँ आप खेल से जीते, आप खेल से आ रहे कोई बात नहीं, अच्छा आप रन कम कर गए तो मेरे लिए कि आप लड़के खेले, लड़ते हुए नजर आखिरी आखिरी बॉल तक आपने अपनी एफर्ट से बताया कि आप भारत से लोगों की ख्वाहिश हो गई यार, सीधी बात भारत से लोगों की ख्वाहिश हो गई कि यार पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए। अली रजा उबैद के बारे में जिस तरह से लोगों ने लिखा, खुसूसन अली रजा के, वो बड़ा बॉलर है, उबैद को जरा पब्लिसिटी हमने भी दी हुई है ऐसी बात, लेकिन उबैद को पहचानने की आइडेंटिफाई करने की एक वजह उसका भाई है, ये नसीम शाह की जरा शोहरत ज्यादा हुई हुई है दुनिया में ना कुछ मामला जैसे उर्वशी वगैरह के मामले में, हालांकि उबैद ने अब तक की क्रिकेट में नसीम से ज्यादा नाम बना लिया, इसलिए बना लिया नसीम, उसने एक वर्ल्ड कप मेगा इवेंट में विकेट ली नसीम बेचारे का, तो आपने वर्ल्ड कप वो 2% की श्रीलंकन प्रीमियर लीग के चक्कर में बर्बाद करा दिया कि भाई तू यहाँ आ, यहाँ तेज बॉलिंग कर, हमारे रन डिफेंड करा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पीछे डगआउट में कोच बैठे हुए हैं वो मेरा छनकना लेने बैठे हुए हैं उधर, उन्होंने मेरा घंटा लिया हुआ है उधर बैठ के, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर मिडिल ऑर्डर छनकना कर रहा है उधर बैठ के, नहीं उसको उसको उसने उसने इसने टिप्स नहीं दी कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या किया और मुकाबला अपने इंडिया से करते हो, बेटा उनकी बैटिंग ने 250 चेज किया सेमीफाइनल में, उनके उनके पास उदय, उनके पास सचिन दास जैसे बैट्समैन है जो 32/4 के बाद टीम को जितवा देते हैं, आपके पास तो कख है ही नहीं, आपके पास तो छनकने हैं सारे, बजवा लो उनके साथ अपनी पकड़ के, नहीं क्या कर रहे हो, उनके रोल मॉडल पता कौन है, विराट कोहली रोहित शर्मा उनके रोल मॉडल वो हैं, उनको वो कॉपी करके आगे देख लो किधर चले गए हैं, और जारी सी बात है जिनके रोल मॉडल ये घंटे के किंग बाबर आजम टाइप के हों इन्होंने मेरा छनकना करना है, फिर आप देखो इन पे गुस्सा करने का फिर फायदा ही नहीं है। स्किल सेट पे भी और बॉडी लैंग्वेज के एतबार से भी इंडिया की जो टीम है वो बड़ी शानदार है, बॉलिंग में भी वो पांडे बच्चा जो जडेजा की कॉपी नजर आता वो उसने ठीक ठाक आउट किए हुए, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, वो बैटिंग भी कर लेता, उसने छक्का भी मारा उसने, तो ओवरऑल टीम अच्छी है इंडिया की, और जिस तरह की भी सिचुएशन हो आई थिंक दे विल डू वेल एंड दे आर द फेवरेट्स।